हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। न्यू किंग्स एंड किंगडम का मतलब है नए राजा और उनके राज्य। लेट्स बिगिन। मैनी न्यू डायनेस्टी emerged after the 7th century। जो 7th century थी, जिस तरह आजकल चल रही है 21वीं सदी, इस तरह से जो 7वीं सदी थी उसमें हिंदुस्तान में बहुत सारी डायनेस्टी उभर कर, बहुत सारे वंश, राजवंश या राजकुल जिनको हम कहते हैं, उभर कर सामने आए थे 7वीं सदी में। मैप वन शो द मेजर रूलिंग डायनेस्टी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। ये जो मैप वन है ये दर्शाता है कि बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टी मीन राज करने वाली ऐसे राजवंश आए थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, ये 7th सेंचुरी से लेकर 12वीं सदी तक। वो कौन कौन से थे जो इस मैप में दिखाया गया है? लोकेट द गुर्जरा, प्रतिहारस, राष्ट्रकूट्स, पोल्स, चोल्स एंड चिनम्मास। चिनम्मास मीन चौहान। इन मैप वन कहते हैं, इन मैप वन में जो दिखाए गए हैं जैसे कि गुर्जरा पर प्रतिहारस था, राष्ट्रकूट थे, पेलस थे, चोलस थे, चिनम्मास थे, ये सब नई डायनेस्टी थी जो 7th सेंचुरी में उभर कर सामने आई थी। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। अब ये जो नई डायनेस्टी आई थी ये कैसे उभर कर सामने आई थी और इनमें क्या कौन कौन से राजा थे? बाई द 7th सेंचुरी देर वर बिग लैंड लॉर्ड और बैरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 7th सेंचुरी के दौरान ही, उस 7th सेंचुरी में ही क्या हुआ था, बिग लैंड लॉर्ड और बैरियर चीफ मीन्स योद्धा लोग, जो सूरवीर लोग होते हैं, वो भी डिफरेंट रीजन में देखे गए उस वक्त। डिफरेंट रीजन में, हिंदुस्तान के डिफरेंट रीजन में ये लोग भी देखे गए, वो आजकल भी हैं। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट। अब ये जो बिग लैंड लॉर्ड थे उस वक्त, या बैरियर चीफ थे, जो योद्धा लोग थे, जो उस वक्त के राजा होते थे इन एरियाज़ के जो राजा थे वो इनको अपना सबॉर्डिनेट मानते थे। किनको? इनको लैंड लॉर्ड्स का या बैरियर चीफ को अपना सबॉर्डिनेट मानते थे और इनको कहते थे समंतास। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर द किंग और ओवर लॉर्ड, बी प्रेजेंट एट कोर्ट एंड प्रोवाइडेड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। अब राजा को इनसे क्या उम्मीद होती थी? राजा के लिए ये गिफ्ट लेकर आते थे, तोहफे लेकर आते थे, उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहना होता था इनको, दूसरा इनको मिलिट्री सपोर्ट देनी पड़ती थी राजा को। एज समंतास गेंड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द महासमंतास, महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन एंड सो ऑन। जैसे ही ये जो समंतास थे, जिनको सबॉर्डिनेट कहता था, जैसे ही ये पावर गेन कर लेते, जैसे अगर ये उनके पास ज़्यादा पावर हो जाती या दौलत हो जाती तो ये अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लेते थे, क्या मानते थे अपने आप को? महासमंता कहते थे अपने आप को, या महामंडलेश्वर अपने आप को ये कहलाते थे, डिक्लेयर कर देते थे ये। समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। और कभी कभार वो कहते थे कि उनके ऊपर कोई राजा नहीं है, वो किसी के गुलाम नहीं है, किसी राजा के वो सबॉर्डिनेट नहीं है। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन शमशीर ऑफ कश्मीर, ही इमिग्रेटेड इन टू कश्मीर एंड बिकेम ए नोबल। ऐसा एक उदाहरण हम आपको बताएंगे इन समंतास का, कि एक समंतास था सुल्तान शमसुद्दीन शामीर ऑफ कश्मीर। जो सुल्तान शमसुद्दीन शामीर ऑफ कश्मीर है वो इमिग्रेटेड इन टू कश्मीर, वो कश्मीर में इमिग्रेट हुआ था, बाहर से कश्मीर में आया था और यहाँ बिकेम ए नोबल, जहाँ पर एक बड़ा नोबल बन गया था। ग्रेजुअली ही रोज टू द पोजिशन ऑफ सुल्तान ऑफ कश्मीर, और धीरे धीरे उसने एक ऐसा रुतबा हासिल कर लिया कि वो सुल्तान बन गया था कश्मीर का, और उसने एक डायनेस्टी फाउंड की, एक डायनेस्टी, एक राजवंश फाउंड किया जिसको कहते हैं शामीरी डायनेस्टी इन 1339 में। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब ये जो नए राजा थे जो उभर कर सामने आए थे,
इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनके राज्य में. मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा, अधिराज, ग्रेट किंग, लॉर्ड ऑफ किंग, ओवर लॉर्ड ऑफ किंग, त्रिभुवन, चक्रवर्तन, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड एंड सो ऑन. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो समंताज थे, जैसे वो पावर गेन कर लेते थे तो वो अपने आप को डिक्लेयर करते थे महासमंता, बड़े बड़े नाम. इसी तरह जी जो राजा थे अपने 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 एरिया के, उन्होंने उनके नाम के साथ एक अलग टाइटल जुड़ गया था. हर एक के नाम के साथ अलग टाइटल जुड़ गया था. किसी को कहते थे त्रिभुवन, किसी को त्रिभुवन कहा जाता था, किसी को महाराजा अधिराज. महाराजा अधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा, और त्रिभुवन होता है लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड, तीनों संसारों का वो बड़ा, एंड सो ऑन. ऐसे कई नाम इनके, कई टाइटल इनके नाम के साथ जुड़ गए थे. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम दे ऑफन शेयर्ड पावर विद समंताज एज वेल एज द एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण. हालांकि इतना बड़ा टाइटल होने के साथ भी, होने के बावजूद इतना बड़ा नाम इनको मिलने के बाद भी, फिर भी ये लोग अपनी पावर, अपनी ताकत शेयर करते थे इनके साथ, समंताज के साथ, ब्राह्मणों के साथ, ट्रेडर्स के साथ और पीजन के साथ. अपनी पावर को क्या करते थे, शेयर कर लेते थे. इन ईच ऑफ दी स्टेट्स रिसोर्स वर ऑब्टेन फ्रॉम प्रोड्यूसर, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर, आर्टिशियंस, हू वर ऑफन परस्यूड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ दे प्रोड्यूस. अब जहाँ पर जो रिसोर्स ऑब्टेन किए जाते थे इन दी स्टेट्स में, जहाँ पर ये राजे होते थे, वहाँ पर रेवेन्यू या रिसोर्स कैसे इकट्ठे किए जाते थे, वो पीजन से लिए जाते थे, कैटल कीपर से लिए जाते थे, आर्टिशियन से लिए जाते थे, ट्रेडर से लिए जाते थे, और उनको कंपेल किया जाता था कि आप अपनी कमाई का चौथा हिस्सा सरेंडर कर दो, चौथा हिस्सा दे दो रिसोर्स एज ए रेवेन्यू. समटाइम दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लैंड ओन्ड द लैंड, रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर. और कभी कभार इसको कहा जाता था कि ये रेंट है आपको जिस पर आप रहते हो, रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर. अब जो ट्रेडर्स लोग थे उनसे भी रेवेन्यू लिया जाता था. 400 टैक्स. द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स. अब जो इंस्क्रिप्शन है चोलास के, इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं, इंस्क्रिप्शन होता है लिखे हुए रिकॉर्ड, चाहे वो किसी पर भी लिखे हों, प्लेट पर लिखे हों, कपड़े पर लिखे हों, कागज़ पर लिखे हों. तो कहता है कि जो चोलास का जो रूल था तमिलनाडु में, उन्होंने 400 किस्म के टैक्स थे उनके अपने. कितने किस्म के टैक्स थे इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था, द मोस्ट प्रोग्री, उनमें से सबसे जो अजीब किस्म का टैक्स था उसका नाम था बिस्टी. इसका मतलब था कि नॉट टेकिंग कैश, कि कैश में कुछ नहीं लेना, बट फॉर्म द फोर्स लेबर, जिन किस्म का एक फोर्स लेबर होती थी, जबरन काम करवाना. देर वॉज ऑल्सो टैक्स ऑन थैचिंग द हाउस, द जूस ऑफ लेड टू कंबाइल पाम ट्री. और इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्स थे, जैसे थैसिंग द हाउस, घर की छत लगाना, या पाल्म ट्री, पाल्म ट्री के लेडर का यूज़ करना, पाल्म ट्री पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना, इस पर भी टैक्स होता था. अब ये जो रिसोर्सेज थे या रेवेन्यू जो इकट्ठा होता था, दीज रिसोर्स वर चूज टू फाइनेंस द किंग एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट. अब ये जो रिसोर्सेज थे, जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज थे, वो कहाँ खर्च किए जाते थे, किंग एस्टेब्लिशमेंट, राजा के दरबार में, राजा दरबार चलाने के लिए, या फिर टेम्पल्स बनाने, मंदिर बनाने के लिए और किले बनाने के लिए. दे वर आल्सो यूज्ड टू फाइट. दूसरा, ये बार जंग लड़ने के लिए भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता था. विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर हमने किसी को हराया, दूसरे राजा को, तो और ज़्यादा वेल्थ मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर. प्लंडर मीन उसको लूट लिया जाएगा, फिर इसके साथ ही और क्या लूटा जाएगा, उस जमीन भी लूटी जाएगी और ट्रेड रोड को भी अपना कब्जा कर लिया जाएगा, जिससे क्या होगा है कि वेल्थ बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा. द फंक्शनिंग फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली. अब ये जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो अधिकार था, ये किससे होता था, इसमें जो ऑफिशियल लगाए जाते थे, रिक्रूट किए जाते थे, वो कहाँ से होते थे, इन्फ्लुएंशियल फैमिली, अक्सर इन्हीं फैमिली से, जो राजाओं की फैमिली होती थी,
दिस वॉज टू आर्मी इन केस ऑफ क्लोज रिलेटिव ऑफ हेल्ड दिस पोजिशन। अगर आर्मी की बात करें, वहाँ की आर्मी की जो जो राजा आर्मी बनाते थे तो उसमें क्लोज रिलेटिव को ही ये मौका मिलता था भर्ती होने का। नेक्स्ट है प्राचित एंड ग्रांट लैंड ग्रांट। प्राचित प्राचित मीन एक लेख है जिसमें कुछ लिखा जाता था। प्राचित एंड लैंड ग्रांट भूमि दान करना, ग्रांट देना। प्राचित कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरेरी ट्रू। अब प्राचित में जो डिटेल्स दिखाई गई हैं, लिखा गया है जो, वो जरूरी नहीं है कि सब सही हो। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू बी डिपिक्ट देम द वैलिएंट विक्टर्स वैरियर्स फॉर एग्जांपल। लेकिन वो हमें ये बताती है कि कैसे रूलर उस वक्त अपने आप को साबित करना चाहते थे, ऐसे शूरवीर, जीते हुए योद्धा। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कम्पोज बाय द लर्नड ब्राह्मण हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किसके द्वारा लिखी जाती थी? ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी जो राजा के इंतजामिया में हेल्प करते थे, मदद करते थे। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण बाय ग्रांट ऑफ लैंड। अब जो राजा थे वो ब्राह्मणों को ग्रांट ऑफ लैंड देते, जमीन ग्रांट कर देते थे, क्योंकि वो क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मदद करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट विच गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। अब किसको लैंड, जिसको लैंड दी जाती थी उसको एक कॉपर प्लेट दी जाती थी, उस पर लिखा होता था कि ये लैंड इसको दी गई है। उसको कॉपर प्लेट पर लिखा जाता था कि इसको इतनी लैंड दी गई है। वट वॉज गिवन द लैंड। अब लैंड किस तरह दी जाती थी? दिस इज पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट बाई द चोलास। अब जो चोलास डायनेस्टी थी वो लैंड ग्रांट किस तरह देती थी? तमिलनाडु में चोलास थे, उनका जो लैंड ग्रांट देने का तरीका था किस तरह का था? वी हैव डेमोक्रेटेड द बाउंड्रीज ऑफ लैंड बाई मेकिंग अर्थन एम्बैंकमेंट एज वेल एज बाई प्लांटिंग थॉर्न बुशेस। कहते थे कि वो लैंड जब देते थे तो लैंड बाई मेकिंग अर्थन एम्बैंकमेंट, उनको एम्बैंकमेंट किया जाता था, घेरा जाता था चारों तरफ से प्लांटिंग थॉर्नी बुशेज, थॉर्न या फिर प्लांटिंग थॉर्नी बुशेज लगाए जाते हैं, जहाँ कांटेदार जड़ियाँ। दिस इज बट दैट लैंड कंटेन फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, वाटर लैंड, गार्डन, ऑर्चर्ड, ट्रीज, बेल्ट, ओपन स्पेस, पाचर, विलेज, आउट हिल्स, प्लेट्स, कैनल्स, रिवर, सिल्ट टैंक्स, ग्रांट्स, फिश पॉन्ड, बी हाइव एंड डीप टैंक। कहता है उस वक्त क्या होता था, जमीन के साथ फ्रूट गोज, चाहे फ्रूट बेयरिंग ट्री, मेवे वाले दरख्त, पानी, लैंड, गार्डन, ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन होता है बाग, ट्रीज जितने भी दरख्त होते हैं, बैल, कुएँ, ओपन पाचर, ये उस ज़मीन के अंदर जो भी होता था उसका हक होता था, चाहे दलदली ज़मीन है, चाहे रिवर, जो भी होता था जिसको ग्रांट दी जाती थी उसका हक होता था उन चीज़ों पर। हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट। अब जिसको जो लैंड मिलती थी उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, उस पर वो टैक्स ले सकता था। ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज बाय द जुडिशियल ऑफिसर फाइन। और कैसे वो टैक्स जुडिशियल ऑफिसर उसको डिक्लेयर बताते थे कि इतना लेना है। द टैक्स बार बीटल लीव्स, द टैक्स ऑन बूबन क्लाथ एज वेल एज व्हीकल। अब टैक्स किस पर भी होता था? बीटल लीव्स, पान के पत्तों पर भी, बूबन क्लाथ पर, कपड़ों पर भी था, एज वेल एज व्हीकलों पर भी होता था। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम द अपर स्टोरेज मेड ऑफ ब्रिक्स। अब वो जमीन पर बिल्ड बड़े बड़े रूम बना सकता था, ईंटों के बड़े बड़े ईंटों का इस्तेमाल करके बड़े 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 स्टोरेज बना सकता था, बिल्डिंगें बना सकता था। ही कैन लार्ज एंड स्मॉल बेल बना सकता था, वो कुएँ खोद सकता था। ही कैन प्लांट ट्रीज, वो ट्रीज लगा सकता था, थाने बुश इतने वैसे। ही कैन गेट क्रांट कंस्ट्रक्शन फॉर इरीगेशन, अगर नेसेसरी हुआ तो वो गेट कैनाल कंस्ट्रक्शन, कैनाल भी इसमें से निकाल सकता है इरीगेशन के लिए। ही शुड इंश्योर द वाटर इज नॉट वेस्ट, लेकिन पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड देयर एम्बैंकमेंट आर बिल्ट, और एम्बैंकमेंट बड़े होने चाहिए। अब जिसको जो जमीन दी जाती थी उसको इन सब का अधिकार मिल जाता था। तो डियर स्टूडेंट, अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी देयर वाज अ लॉन्ग सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ किंग हु वाज रूल्ड ओवर कश्मीर। एक लॉन्ग पोएम है जो संस्कृत में लिखी गई है, जो कश्मीर के राजा के बारे में बताती है जिसने कश्मीर पर हुकूमत की थी। इट वॉज कम्पोज बाई द ऑथर नेम्ड कल्हाना। उस संस्कृत पोएम का ऑथर था कल्हाना। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्स इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट आई ब्रिटिश अकाउंट। उसने एक पोएम लिखने के लिए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया, इंस्क्रिप्शन का, आई ब्रिटिश को भी उसमें ऐड किया। टू राइट हीज अकाउंट अनलाइक द
राइटर्स ऑफ प्राचीत ही ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर एंड देयर पॉलिसीज और अनलाइक द राइटर ऑफ प्राचीत ही ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर एंड ही वाज ऑफन और जिस तरह प्राचीत में लिखा जाता था इस तरह इसने भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। कश्मीर के एक राइटर ने भी इस तरह के लिखा था, एक संस्कृत की पोएम लिखी थी उसमें इस राजा के बारे में लिखा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे बढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।